पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जो इस वक्त काफी फॉर्म में है, दुनिया मान रही है कि इस आगामी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से जो हाईएस्ट रन स्कोरर होगा वो मोहम्मद रिजवान हो सकता है। लेकिन इस बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर है और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद रिजवान पे एक बड़ी बात कह दी है। रोहित कोहली, रूट विलियमसन, भाई स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, इस सूची में से बाबर आजम का नाम भी जोड़ दीजिए क्योंकि रन तो वो भी बहुत खूब बनाएंगे और बहुत सारे बनाएंगे। पर मैं चुनने वाला हूं कुछ ऐसे पांच बल्लेबाज जो मुझे लगता है कि रन्स बनाएंगे एंड कुड बी, मतलब इनमें से एक या दो अमंग द टॉप रन गेटर्स भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो मैंने नाम रखा है, मैंने रखा मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान इज एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली, क्योंकि देखिए बहुत इफेक्टिव खिलाड़ी है, बहुत तरीके से सलीके से खेलता है, स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। हालांकि अगर इनका बेस्ट आना हो तो इनको पावर प्ले ओवर्स दे दीजिए, उसमें थोड़ा बेहतर खेलते हैं जैसा कि टी20 में करते हैं। मिडल ओवर्स में आएंगे, गेम को चलाएंगे, स्वीप बहुत सारे मारेंगे, कट स्वीप छोटे कट के स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेलते हैं। सामने क्रम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का परसों से यानी 5 अक्टूबर से बाकायदा आगाज हो जाएगा। अभी वार्म अप मैचेस चल रहे हैं, आज भी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच है। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही दुनिया का सबसे अच्छा बैटर कौन है, बॉलर कौन है, फील्डर कौन है, या फिर इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी कारकर्दगी चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग, उसमें कौन करेगा, इस पर बाकायदा एक डिबेट शुरू हो चुकी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम और जोस बटलर समेत ऐसे चंद नाम सामने आए हैं जिन पर तकरीबन तमाम बड़े तजिया निगारों की मुतफिका राय है कि इनमें से कोई ना कोई जो है वो जरूर सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैटर बनेगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर भारतीय तजिया निगार और साबिक प्लेयर रहे आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद रिजवान का नाम लेते हुए ये कहा कि इस वक्त सबसे अच्छा बैटर जो है वो मोहम्मद रिजवान है और सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर जिस तरह ये स्पिन को खेलता है ये मेरा सबसे बड़ा टॉप स्कोरर रहेगा, यानी वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाला शख्स मोहम्मद रिजवान होगा। अब इस पर भारत का मीडिया भी काफी हैरत ज़दा है कि आकाश चोपड़ा जैसे एक बड़े तजिया निगार ने जिनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग के साथ साथ एक राय का एहतराम भी मौजूद है, वो किस तरह मोहम्मद रिजवान का नाम दे सकते हैं। वो बात भी आपको सुनाएंगे कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है और आकाश चोपड़ा ने मजीद क्या मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। रोहित कोहली, रूट विलियमसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ये नाम तो सबको पता है, सबको याद है, सब जानते भी हैं कि बहुत सारे रन तो यही बनाने वाले हैं। इस सूची में से आप बाबर आजम का नाम भी जोड़ दीजिए क्योंकि रन तो वो भी बहुत खूब बनाएंगे और बहुत सारे बनाएंगे। पर मैं चुनने वाला हूं कुछ ऐसे पांच बल्लेबाज जो मुझे लगता है कि रन बनाएंगे एंड कुड बी, मतलब इनमें से एक या दो अमंग द टॉप रन गेटर्स भी हो सकते हैं। अगर आप पांच खिलाड़ियों की सूची अगर बनाए विश्व कप के अंत में तो इन पांच में से दो तीन नाम वहां पे आपको नजर आ सकते हैं, थोड़े लेसर नोन बट वेरी इफेक्टिव पांच बल्लेबाज जो विश्व कप में जलवा बिखेर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो मैंने नाम रखा है वो मैंने रखा मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान इज एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली, क्योंकि देखिए बहुत इफेक्टिव खिलाड़ी है, बहुत तरीके से सलीके से खेलता है, स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। हालांकि अगर इनका बेस्ट आना हो तो इनको पावर प्ले ओवर्स दे दीजिए, उसमें थोड़ा बेहतर खेलते हैं जैसा कि टी20 में करते हैं। पर पाकिस्तान को नंबर चार पे एक अच्छे बैटर की आवश्यकता, और मुझे लगता है पाकिस्तान ठीक ठाक कर जाएगी यार, इतना खराब नहीं करेगी जितना लोग समझ रहे हैं खराब करेगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान विल बी कंपेटिटिव एंड विल एक्चुअली बी ऑल राइट, और रिजवान का उसमें बहुत बड़ा हाथ रह सकता है। मिडल ओवर्स में आएंगे, गेम को चलाएंगे, स्वीप बहुत सारे मारेंगे, कट स्वीप छोटे कट के स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेलते हैं, बीच में गैप पे रख के दो दो रन भागना बहुत पसंद करते हैं। और आई फील दैट मोहम्मद रिजवान का अच्छा ये वर्ल्ड कप हो सकता है, कुछ अच्छे अंदाज में ये खेल सकते हैं, तरीके से रन ये बना सकते हैं। और टॉप 5-10 रन गेटर्स, टॉप 10 रन गेटर्स में इनका नाम आ सकता है एक्चुअली, अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं 1-2-3 जो है दे आर गोइंग टू hog the majority of runs, score the majority of runs, ये होने ही वाला है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जो इस वक्त काफी फॉर्म में है, दुनिया मान रही है कि इस आगामी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से जो हाईएस्ट रन स्कोरर होगा वो मोहम्मद रिजवान हो सकता है। हालांकि कुछ लोग बाबर आजम से भी उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर रहे और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद रिजवान पे एक बड़ी बात कह दी है। आकाश चोपड़ा अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद रिजवान के बारे में तारीफ करते हुए कहते हैं कि रिजवान स्पिनर्स को काफी अच्छी तरह से खेलते हैं,
और जिस तरह इस वर्ल्ड कप में जो भारत में हो रहा है, यहाँ स्पिनर्स को जो बल्लेबाज अच्छे से खेल लेगा वह बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर हो सकता है। तो क्या कुछ कहा है आकाश चोपड़ा ने, आइए आपको बताते हैं। आकाश चोपड़ा कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, मोहम्मद रिजवान काफी प्रभावशाली खिलाड़ी है, वो काफी सलीके से खेलते हैं और स्पिनर्स को काफी अच्छी तरह से खेलते हैं। हालांकि रिजवान पावर प्ले में ज्यादा बेहतर खेलते हैं और वहां पर इनका बेस्ट निकलकर सामने आता है। पाकिस्तान को नंबर 4 पर एक बेहतरीन बल्लेबाज की जरूरत है और मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। जितना लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पाकिस्तान खराब करेगी, उतना खराब परफॉर्मेंस वो नहीं देंगे। यानी आकाश चोपड़ा को मोहम्मद रिजवान से कहीं ज्यादा उम्मीद है और उनको लगता है कि मोहम्मद रिजवान इस वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर हो सकते हैं। इसके बाद आगे आकाश चोपड़ा कहते हैं, पाकिस्तान काफी कड़ी चुनौती देगी और मोहम्मद रिजवान का उसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। मिड लोवर्स में आकर वो गेम को चलाएंगे, उनके बल्ले से काफी सारे स्वीप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो कट भी बेहतरीन लगाते हैं। मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान के लिए ये वर्ल्ड कप अच्छा हो सकता है। वो मोहम्मद रिजवान की तारीफ करते हुए आगे कहते हैं आकाश चोपड़ा, टॉप 10 स्कोरर्स में इनका नाम आ सकता है। आपको बता दें मोहम्मद रिजवान ने हाल ही में वार्म अप मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का हुआ था, इस वार्म अप मैच में मोहम्मद रिजवान ने जबरदस्त पारी खेलते हुए शतक लगाया था। उन्होंने 94 गेंदों पे 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 103 रन बनाए थे और इसके बाद मोहम्मद रिजवान रिटायर्ड हट आउट हो गए थे। लेकिन मोहम्मद रिजवान से इस बार उम्मीदें इसलिए ज्यादा है, जैसा कि आकाश चोपड़ा ने बताया कि जो टीम स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेलेगी और मिडिल के ओवर्स में जब स्पिनर्स का दबदबा होता है वहां पे जो बल्लेबाज अच्छा खेल गया वो बल्लेबाज अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो ये कुछ आकाश चोपड़ा की राय थी। वैसे आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर कौन हो सकता है? क्या मोहम्मद रिजवान होंगे या बाबर आजम होंगे? पाकिस्तान की तरफ से कौन होगा टॉप स्कोरर? इसके अलावा सभी टीमों की बात करें तो वहां टॉप स्कोरर इस टूर्नामेंट का कौन रहने वाला है,